पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। जैसे गीता में आपने पहला ब्रह्म निर्वाण वाचिए पची भजन। ब्रह्म निर्वाण इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षशे शुभात् अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तिरस्तत्र न मुह्यति येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति योऽन्तसुखोऽन्तराराम तथान्तज्योतिरेवय स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं क्षयक्षीणकल्मषा छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रता ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। क्षण ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गनैर्गच्छन्त मूढापदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् सर्वकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नर
सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा क्लेवरं यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। नीता बेन भजन का शे भवाटवी माँ भमता एटलू में तो जा ठाकुर जी मारे ठरवानू के कान स्वार्थ बरेला आ संसारे स्नेह तनु शरनामु ठाकुर जी मारे ठरवानु के कान भवाटवी माँ भमता एटलू में तो जानू ठाकुर जी मारे ठरवानु के कान स्वार्थ बरेला आ संसारे स्वार्थ बरेला आ संसारे स्नेह तनु शरनामु ठाकुर जी मारे रेवानु के कानू सुख दुख जीवन माझे आवे ते कृपा प्रभु नि परमाणु सुख दुख जीवन माझे आवे ते कृपा प्रभु नि परमाणु यशो पयसती थाहु व्यथित ना प्रभु प्रसाद गणि मानु ठाकुर जी मारे ठरवानु के कानू भवाटवी माँ भमता एटलू में तो जानू राग द्वेष तनी झाड़ जंझाड़े जीवन नाहू बगाड़ू राग द्वेष तनी झाड़ जंझाड़े जीवन नाहू बगाड़ू बीतवई भवनी पाछळ पड़ू ना बीतवई भवनी पाछळ पड़ू ना मळ्यू नारायण नाणू ठाकुर जी मारे ठरवानु के कानू राग विराग नो पंथ त्यजी ने वितरागी थई ने विराजू भोग के से त्याग मा समता धरी ने भोग के त्याग मा समता धरी ने गावु संयमनु गानु ठाकुर जी मारे ठरवानु ठे कानू भवाटवी माँ भमता एटलू में तो जानू ठाकुर जी मारे ठरवानु ठे कानू ठाकुर जी मारे ठरवानु ठे कानू कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सरस भजन नीता बेन सरस एना शब्दो खूब हता समझवा सुंदर जे भवाटवी भजन। एटले आ લાઈફ આ જન્મ हाँ ગુજરાતી શબ્દ છે ભવાટવી એના માટે બહુ આગે સારું પડે હા
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग श्लोक नंबर 4 पर विचार किया हमने पिछली बार। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। योगारूढ़ बड़ा शब्द है ये। योगारूढ़ कौन हुआ? जिसने सिद्धि प्राप्त की। हम सब साधक है, हम योग के मार्ग पर चल रहे, अभी चलना सीखा है हमने। जो आगे पीएचडी हो चुके हैं वो योगारूढ़। योगारूढ़ कैसे होते हैं? समत्वम योग उच्यते, जिसके मन में राग और द्वेष समान हो गए या फिर राग और द्वेष से ऊपर उठ गए, वो योगारूढ़। अब सोचिए हमारे मन में कितने राग द्वेष, कितनी सारी चीजों के प्रति हमें अट्रैक्शन, मॉरालिटी, एथिक्स, ये हमें क्या सिखाता है? किसी पे द्वेष मत करो। लेकिन अध्यात्म में ये सिखाता है कि राग भी मत करो। मॉरालिटी एथिक्स कहती है सबसे प्रेम करो, किसी का द्वेष मत करो। अध्यात्म कहता है द्वेष भी मत करो और प्रेम भी मत करो। यदि आप प्रेम भी करोगे तो वो आसक्ति आपको वापस बांध के लाएगी, दोनों से मुक्त होना है। ममता का त्याग करना पड़ेगा तभी जाके मुक्ति मिलेगी। ममता में आनंद भरपूर है, ये मेरे मित्र, ये मेरा परिवार, ये मेरा संतान, मम तत्व, ये सब मेरे है, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये कल्पना हमें आनंद देती क्योंकि कोई मेरे साथ है। ये जब भाव मन में आता है तो हमें शक्ति प्रदान होती, हमारा अकेलापन दूर हो जाता है। भले ही घर में हम अकेले रहते हो, अरे लेकिन मेरी बहन यहाँ रहती है, मेरा भाई यहाँ रहता है, भतीजा यहाँ रहता है, ये भाव ही हमें अकेले जीने की शक्ति देता है। लेकिन ये जो मम तत्व है वो संसार से छोड़ के ईश्वर के साथ बांधता है, क्योंकि हमारे साथ अंत तक केवल ईश्वर का नाम रहेगा। एक समय आएगा जब आंख से भी कम दिखेगा, कान कम सुनेंगे, हाथ पैर में शक्ति नहीं होगी, बिस्तर पे लेटे होंगे, लेकिन मन में स्मरण भक्ति तभी भी चालू होगी। ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे ना हम ईश्वर का साथ छोड़ेंगे। ये जो मम तत्व है वो ईश्वर के साथ उत्पन्न करो, तभी संसार का ममत्व छूटेगा। राग करना है ईश्वर का करो, भगवान का करो, और इसके लिए ही हमने एकादशी मिलन का संकल्प लिया कि अलग तरीके से एकादशी मनाएंगे हम, केवल उपवास नहीं। पहली भक्ति का चरण, अपने घर से उठकर हम जहां पर भी भजन थे वहां तक गए हम, फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति। सेकंड स्टेप, 1 घंटे तक हमने ईश्वर के साथ मन लगा के बैठे, वहां कीर्तन किया, जो नवदा भक्ति का दूसरा चरण है, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन किया। इसके बाद स्मरण, स्मरण आप कर सकते हो, जाप कर सकते हो, दैट इज स्मरण। तो इस प्रकार जो योगारूढ़ हो गया वो, उसने द्वेष भी छोड़ा और राग भी छोड़ा। सर्व संकल्प संन्यासी, सन्यासी ने त्याग करना, जिसने सर्व संकल्प का त्याग किया है। केवल अच्छे कपड़ों का त्याग करना ये सन्यासी नहीं है, ये साधु नहीं है। केवल ज्वेलरी का त्याग करना ये सन्यासी या साधु नहीं है। मन के अंदर से संकल्प जाने चाहिए, मन के अंदर से इच्छा जानी चाहिए, वो सही साधु। केवल इंद्रिय और विषय को दूर कर देना, आज कुछ नहीं खाएंगे, आज उपवास, ये आपको साधु के कक्षा में नहीं रखेगा, क्योंकि आपने इंद्रियों का दमन तो कर लिया, आपने व्रत ले लिया, आज कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन मन से, मन में कितनी बार हुआ ये खाओ वो खाओ, कब आज का दिन समाप्त हो और कल सुबह चाय नाश्ता करूं, यदि उपवास में ये भाव हो रहा है तो संकल्प गया नहीं है अभी तक। इंद्रिय और विषय का त्याग कर दिया हमने, दमन कर दिया, ऑल्टरनेटिव निकाल दिया ना, अन्न नहीं खाएंगे, गेहूं चावल नहीं खाएंगे, अन्य कितनी सारी हमने
चीजें ढूंढ निकाली कि ये खाएंगे ये खाएंगे ये खाएंगे। फलाहार मतलब खाली फल का आहार, यू कैन हैव ओनली फ्रूट्स, दैट इज उपवास। ये साबूदाने की खिचड़ी कहाँ से आ गई मुझे मालूम नहीं है, उसके अंदर और कितने सारे व्यंजन बनते हैं एकादशी के। ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया हमने मन को खुश रखने के लिए, ये भक्ति, मन में ईश्वर का भाव, हम भगवान के नजदीक जाए वो एकादशी, उससे इतना नजदीक जाए कि खाने का भी हमें ये ना रहे, क्या खाए क्या पिए, जो मिला वो खा ले, ये बात जब होती है तब वो उपवास ईश्वर के नजदीक। तो न इंद्रियार्थेषु न कर्म मनुषंचते, कर्म से भी कोई आ सकते हैं। कुछ क्रियाएं हमें बहुत पसंद है, किसी को ट्रैकिंग पसंद है, हाइकिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, गेम्स खेलना पसंद है, टेनिस खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना, हारना जीतना सेकेंडरी है, हारने जीतने के लिए नहीं खेलते, खेलने के लिए खेलते, आनंद मिलता है इसके लिए खेलते। तो ये कर्म के प्रति भी आ सकती है, नहीं, यदि मान बढ़ाई की आ सकती है वो भी एक आ सकती है, यदि इच्छा है मुझे सम्मान मिले ये भी एक प्रकार की आ सकती है, ये भी एक प्रकार का भोग है, अहंकार का भोग, अप्रिसिएशन, कोई मेरी तारीफ करे, ये मन का भोग। यदि ये अपेक्षा है हमारे अंदर कि पीपल शुड अप्रिशिएट, पीपल शुड प्रेज मी, मेरी वाहवाह होनी चाहिए, ये मन को अच्छा लगता है, मन उधर खींचा जाता है, आपकी जहां तारीफ हुई वहां पे, ये मन का भोग है। ये सभी से अनासक्त भाव, सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसा जो व्यक्ति है वो योगारूढ़ उच्यते, ऐसा व्यक्ति योग पे आरूढ़ हुआ ये हम कहेंगे। ये था हमारा चौथा श्लोक। अब जब योग पे आरूढ़ होता है तब क्या होता है, पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादये आत्मेव यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। बहुत सुंदर श्लोक है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, आपका उद्धार आप स्वयं ही कर सकेंगे, न आत्मानम अवसादये, यदि आत्मा के शरण में आप नहीं गए तो आपका पतन अवसादये, तो आपका पतन निश्चित। आत्मेव यात्मनो बंधुर, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मित्र है। आत्मेव रिपुरात्मनः, रिपु यानी शत्रु, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। क्या भेद है बंधु और शत्रु, शत्रु में मित्र किसे कहेंगे और शत्रु किसे कहेंगे, अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछू तो लेट्स सी हम सही सोचते हैं कि नहीं, मेरा मित्र कौन और मेरा शत्रु कौन, एनीबॉडी, क्या जो लक्षण? हाँ हाँ भावना बे, जो मेरा भला चाहता है, मेरा जो मेरा हित जिस भला चाहता है, भला भला चाहता चाहता है, हाँ, मेरा हित जिसके जिसकी विश है, मीन्स वो मेरा मित्र है। जो मेरा बुरा चाहता है, मेरा भला नहीं चाहता है, मेरा अहित करता है, वह शत्रु। एग्जैक्टली सिंपल, जो मेरा हित चाहता है वो मेरा मित्र, और जो मेरा अहित चाहता है वो मेरा शत्रु। बट हमें पता ही नहीं चलता है कौन मित्र है कौन शत्रु है, मनुष्य इतना होशियार हो गया है, उसकी वाणी कुछ कहती है, उसके मन में विचार कुछ अलग होते हैं, वर्तन तो तीसरा ही, बहुत ही मुश्किल हो चुका है लोगों को नापना, क्योंकि बुद्धि विकसित हो चुकी है ना मनुष्य की, बुद्धि के द्वारा वो अपने मन में क्या चल रहा है वो जानने ही नहीं देता है, वो सरलता नहीं रही मनुष्य के अंदर। आगे के व्यक्ति सरल थे, जो भाव मन में था वही जुबान पे था, वही मुंह में था, जो हृदय का भाव था वो कह डालते थे, सरल व्यक्तित्व था, अब जिलेबी जैसा हो गया व्यक्तित्व था।
पता ही नहीं चलता है। मुंह से इतना मीठा बोलते हैं लेकिन मन में क्या क्या चलता है उनके। भाव शत्रु का है कि मित्र का है, ये आज के जमाने में जानना कलयुग है बहुत कठिन है। इसके लिए पता ही नहीं चलता ये मेरा शत्रु है या मेरा मित्र है। जो हमारी अनुपस्थिति में भी हमारा अच्छा बोले वो मित्र, ये लक्षण है मित्र। हम जब नहीं होते हैं तो सभी क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे, लेकिन जो सही मित्र है वो अनुपस्थिति में भी उसका बुरा नहीं कहेगा। चाहना तो दूर की बात है, बोलना भी। तो आत्मा बंधु कैसे हो सकता है, आत्मा शत्रु कैसे हो सकता है? पहला शब्द अति महत्व का, उद्धरेत आत्मनात्मानम्। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार आप कर सकते हैं। ये शब्द बड़े अक्षरों में हमारे घर में लगा देना चाहिए फ्रेम करके, एक सांसारिक मीनिंग और एक आध्यात्मिक मीनिंग। ये जो सांसारिक मीनिंग है दैट वी कैन अप्लाई इन आर लाइफ, हमारे जीवन में उसको हम उतार सकते हैं। आध्यात्मिक मीनिंग वो हमारी सोच बढ़ाता है जो हमें मोक्ष के प्रति ले जाएगा। हमारा उद्धार हमें स्वयं करना है, कोई दूसरा आपका उद्धार नहीं कर सकता। गोल्डन वाक्य। हम दुखी क्यों है? जो हमें सारे गांव से अपेक्षा है, ये मुझे ये करके दे, इसने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हम दूसरों के ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है हम। दूसरे के ऊपर अपेक्षा है, दूसरा वो पूर्ण नहीं कर सकता है और हम दुखी होते हैं। जब ये होता है तो वी बिकम वीक, हम अपना ध्येय हमारा लक्ष्य नहीं पार कर सकेंगे क्योंकि हम दूसरों के ऊपर निर्भर थे। हमारा उद्धार हमें स्वयं करना है, अन्य से केवल मदद ले सकते हो आप। माता भोजन बना के बालक के मुंह में निवाला रख सकती है, चबाना बालक को पड़ेगा और चबा के उसे पचाना भी बालक को पड़ेगा। कोई हमें रसोई परोस सकता है लेकिन खाना हमें ही है और पचाना भी हमें ही है। ये किसी की मदद हम ले सकते हैं, सोचने की बात है कि अन्य कोई किसी का उद्धार कर क्यों नहीं सकता है। भारत में इतने संत महात्मा, इतने ऋषि मुनि हो गए, इतने अवतार हुए। भगवान कृष्ण जब स्वयं नारायण जब अवतार लेकर आते हैं तो सारे संसार का उद्धार नहीं करते, वो उद्धार केवल पांडव का किया उन्होंने। क्यों दुर्योधन का उद्धार उनके हाथ से नहीं हुआ, क्यों शकुनी का उद्धार उनके हाथ से नहीं हुआ? भगवान थे स्वयं, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका वध करना पड़ा। राम को भी रावण का वध करना पड़ा, क्यों उसका उद्धार नहीं कर सके भगवान राम? कौन सी बात है, इतने संत हो गए भारत के भूमि में लेकिन दुष्ट लोग इतनी अधिक मात्रा में थे। संत के चरित्र का, संत के वाणी का, उनके विचारों का क्यों उन दुष्टों के ऊपर असर नहीं हुआ? क्यों ये सबका उद्धार नहीं हो गया? भगवान ने इतने अवतार लिए तो भी क्या कारण हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? सोचने की बात। कोई उत्तर देना चाहेगा क्या कारण हो सकता है? अच्छा की बात है। अहंकार। ओके, अहंकार से क्या होता है? હું પણ હું આવી જઈને, હા બરાબર છે, હું પણ હું આવી જાય એટલે શું એની એની બીજી ઇફેક્ટ શું થાય? યસ અમી, લક્ષ્ય ઉદ્ધાર જોઈએ છે એ નહીં હોય અને બધી મટીરિયલિસ્ટિક આઇટમ્સ. યસ, વન પોઈન્ટ, વો લક્ષ્ય હી નહીં હે. દુર્યોધન કે પાસ વો બુદ્ધિમત્તા હી નહીં હે કે ભગવાન મેરા ઉદ્ધાર કર સકતે હે. ઉસકી સોચ છોટી થી, હસ્તિનાપુર કા રાજ્ય मेरे अकेले का हो, इससे आगे उसकी सोच ही नहीं जा रही। मेरा उद्धार कैसे हो इसकी समझ ही नहीं थी। पशुता है ये, पशु को पता नहीं है कि मेरा मोक्ष हो सकता है, केवल मनुष्य को ये बुद्धि दी है भगवान। ये एक कारण है, अन्य कारण मुख्य कारण। चलो
दुर्योधन ही है, बाकी व्हाट अबाउट कॉमन मैन? भगवान कृष्ण के वक्त जितने थे सभी का उद्धार नहीं हुआ है? क्यों कुछ ही लोगों का उद्धार हुआ? आने का टाइम पे उनका लक्ष्य, उनको अमी ने कहा कि उनका लक्ष्य मोक्ष नहीं था, लेकिन कॉमन मैन को ये उनकी एक्चुअल जो सेल्फ है उसका उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं सेल्फ कौन हूँ। यस, या एक यक्ष हाथ नक्ष का अवेयर है ज्ञान नहीं है। बट आई एम दैट कॉन्शियसनेस, कि मुझे जो उसके अस्तित्व का आत्म प्रचिति सही उसको बात, होती है कि मैं आत्मा हूँ, सही मेरा बात, सही बात, इसके लिए मुझे उद्धार चाहिए, तो करेक्ट, वो ही उनको पता नहीं है, इसके लिए वो अज्ञानी होते हैं और इसीलिए एग्जैक्टली। उनका उद्धार नहीं हो सकता। एक कारण है, वो अज्ञान और थे। एक और चीज है कि कर्म वो लोग बहुत आसक्ति से लोग करते थे ना, उनको हाँ इतनी नॉलेज नहीं थी कि हमें कर्म से आसक्ति नहीं रखनी है। कहने को तो गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी इनडायरेक्टली, कोई लेकिन असर नहीं हुआ। लेकिन उन्हें असर नहीं हुआ क्योंकि उन्हें उसके बाद भी अपने पुत्र से वो आसक्ति थी, अपने पुत्र का मोह। आप चाहे कर्म का आसक्ति कहें, चाहे व्यक्ति की आसक्ति कहें, चाहे कर्म फल की आसक्ति कहें, कभी कभी किसी किसी को सादगी की आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से आसक्ति हो जाती है कि वो सोचता है अरे मैंने तो सब त्याग दिया, मैं तो इतना महान हूँ, वो उसी उसी थॉट को लेकर के उसी से चिपक जाता है। तो इसीलिए वो हर किसी में नहीं हो पाता है, इसीलिए सबका उद्धार नहीं संभव हो पाया श्री कृष्ण एनी मोर रीजंस? ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे प्रबल से। हूँ शरीर इनका नथी, पिछला हूँ शरीर नथी, शरीर मारू नथी। एक ज्ञान छे, ये जे कहियो यहाँ के अज्ञानी लोग छे एटले उद्धार न थयो। कनक बहन पिछले श्रद्धा पिछला आप नितिन भाई, मेरे हिसाब से जो दुर्योधन की बात चल रही थी, तो इसके पिछले जन्म के कर्म ही कुछ ऐसे थे कि पाप कर्म इतने ज्यादा थे कि वो अपना भला भी सोचना चाहता था, फिर भी वो बोलता था मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ और मैं बुराई कर रहा हूँ, जबकि वो बराबर, जानता था कि ये करने। हाँ बट वो हेलो, दुर्योधन के मैटर में, व्हाट अबाउट कॉमन मैन? हाँ बीजल जी, श्रद्धा जो है ना कि हाँ मुझे अनन्य शरण जाना भगवान को, कि मैं आप ही सब कुछ है, मैं आज आपके शरण आया हूँ, वो जो अर्जुन ने किया वो कोई और नहीं कर पा रहा था, दुर्योधन इवन फॉर दैट मैटर दूसरे पांडव भी नहीं कर पा रहे थे जो अर्जुन ने किया, कि मैं आपको अनन्य शरण हूँ तो आप मेरा उद्धार एग्जैक्टली करें। एग्जैक्टली, करेक्ट समर्पण मैंने कहा क्या भावना, मुझे? हाँ, समर्पण भावना, ये झूठ समर्पण कहते हैं, भावना, समर्पण भावना। एग्जैक्टली, ना आसक्ति ना ज्ञान, वो भी कारण हो सकते हैं आपके गए जन्म के कर्म, वो सब हो सकता है। उस सबसे छुटकारा मिल सकता है यदि आपको श्रद्धा है। विदुर जी को श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, ज्ञान नहीं था क्या विदुर जी के अंदर? परम स्वीकार, ज्ञानी थे, शरणागत, कुब्जा, क्या ज्ञानी थी कुब्जा, क्या बेचती थी एक सामान्य स्त्री। वो कुब्जा को श्रद्धा थी कृष्ण के ऊपर। जब श्रद्धा होती है, जब समर्पण होता है, तब सभी बातों का अंत हो जाता है, सभी दुविधा, सभी कंफ्यूजन। अनन्या से चित्त यंतो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम मैं किसका चलाऊंगा? जो अनन्य भाव से भक्ति करता है। अनन्य यानी न अन्य, अन्य कोई भी नहीं, यानी एक भाव से जो मेरी भक्ति करेगा उसका योग क्षेम मैं चाहता हूं। ये समर्पण भाव, ये श्रद्धा वो अर्जुन में थी, वो पांडव में थी। ना आपकी नारायणी सेना मिले तो कुछ नहीं, प्रभु मुझे आप चाहिए, ये भाव ये अर्जुन में था, इसके लिए उसका उद्धार भगवान ने किया। इतने गुरु, इतने संत, क्यों सभी शिष्यों का उद्धार नहीं कर सके? ज्ञान तो सभी को बांटा, लेकिन सभी का श्रद्धा का लेवल अलग, सभी का अटैचमेंट का भाव अलग था, ज्ञान के साथ, गुरु के साथ, ईश्वर के साथ। ये जिसमें प्रबल था उसी का उद्धार हुआ। ये तो इतने सारे संत हो गए, क्यों समाज का उद्धार नहीं हुआ? नारद जी ने वाल्मीकि का उद्धार कर दिया, क्यों? वाल्मीकि जी में पोटेंशियल था, वो वाल्मीकि जी ट्रस्टेड नारद, इसके लिए उसका उद्धार हुआ। अगर विश्वास ही नहीं होता, श्रद्धा ही नहीं होती, तो परम ज्ञान भी उल्टे घड़े पे पानी है। एक ही भगवत का मैसेज, भगवत गीता का,
अर्जुन ने भी सुना और धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन दोनों पे असर हुई अलग अलग। क्यों? श्रद्धा दी अर्जुन को, अर्जुन ने ईश्वर को देखा, धृतराष्ट्र ने वो नहीं देखा, कृष्ण भगवान ने। इसके लिए उसके ऊपर असर नहीं हुई, उसके लिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो मुक्ति किसकी होती है? जो ईश्वर पे निर्भर होता है, अन्य किसी पे नहीं। हमारे माता पिता, हमारे गुरु, संत, ऋषि, ईश्वर, ये सब हमें कब मदद कर सकते हैं? जब हम उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं तभी। यदि हम मानेंगे ही नहीं तो मानीते कौन बनते? जय माने मानीते बन, माना मानीता बनवो तो मानवो पड़े। सिंपल नियम तो कोनू मानवो आ विवेक पण होवो जोईए। हुम शुड बी बिलीव, श्रद्धा कोनी पर राखवी, आ विवेक बुद्धि होवी जोईए, नहीं तो मूर्ख गणाशो। तो आर्य उत्तरहितमा तदात्मानम्, वी आर डिपेंडेंट ऑन होल यूनिवर्स। ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ही ऐसा होगा। आज ड्राइवर नहीं आया है, संडे है तो, अरे रिक्शा मिल रही है, रिक्शा नहीं है तो मेट्रो ट्रेन है। अगर जाना है एकादशी मिलन में, कैसे भी जाएंगे, हम निर्भर है ड्राइवर के ऊपर। अगर ड्राइवर नहीं आया तो आज कुछ नहीं, बाई नो आवा नहीं हुई तो आज होटल में। वी आर डिपेंडेंट ऑन बाई। तकले ने पगले लोगों पर डिपेंडेंट किया, व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट, परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट। ये नहीं है इसके लिए कैंसर। मेरा इंडिविजुअलिटी है कहां पर? मेरी लीडरशिप क्वालिटी है कहां पर? जो लीडर होता है उसे कोई चीज अटकाती नहीं। फॉलोअर्स के माइंड में 10 क्वेश्चन, ये कैसे करूं, ये होगा कि नहीं। जो लीडर होता है उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है, यहां पहुंचना है, ये करना है। ये क्वालिटी जिसमें है वो लीडर, जो अपने आप अपने पैरों पे खड़ा है वो लीडर। जीवन में यदि उद्धार करना हो अपने पैरों पे खड़े रखो, दूसरों पर मदद जरूर लो। 3 बाई रखो घर में, लेकिन अगर बाई नहीं आई तो आप अटकना नहीं चाहिए, आपके आंखों में पानी नहीं आना चाहिए। आज भाई ने छुट्टी ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आप निर्भर हो। मदद लेना ये निर्भरता नहीं है, लेकिन यदि मदद ना मिले और आप अटक जाओ तो ये गीता के सिद्धांत के विरुद्ध है। उदरेत्मा तदात्मानम्, तेरा उदर तुझे स्वयं करना है। लोगों की मदद ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन मदद ना मिली तो बैठ मत जाना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मैं हूं तेरे साथ लेकिन तेरा युद्ध तुझे ही लड़ना है। अर्जुन को आत्मनिर्भर करना था भगवान को। यदि मैं ही सुदर्शन चक्र उठा लूं तो अर्जुन कब सीखेगा उसका युद्ध खुद लड़ने के लिए? अगर हम दूसरों से ही अपेक्षा करते रहे तो हम स्वयं कब करना सीखे? आमी जी कुछ कहना चाहती थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि फिजिकल डिपेंडेंसी लोग फिर भी वर्कआउट कर लेते हैं, मतलब मजबूरी में कर, समझ लो व्हाट एवर। आई थिंक द मोस्ट डेंजरस पार्ट इन टुडेज टाइम इज द इमोशनल डिपेंडेंसी, एंड उसके वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं। आप हाँ फिजिकली जी, जैसे एग्जाम्पल ऑफ बाइक या ड्राइवर या कुछ चीजें मिलना नहीं मिलना, वो फिर भी एक स्टेज आ जाता है जब भी लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आई थिंक द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज द इमोशनल डिपेंडेंसी दैट वी डेवलप। एग्जैक्टली। आज इंस्टाग्राम पर एक इसी विषय में एक सुंदर मैसेज पढ़ा, सबसे शक्तिशाली कौन? जो अकेला खुश रह सकता है वो। नो मेंटल डिपेंडेंसी, निजानंद। इसको इतना महत्व दिया क्यों हमारे शास्त्रों ने? निजना यानी स्वयं, जिसको स्वयं को स्वयं के अंदर से आनंद मिलता है, वो अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है, ना कोई वस्तु, ना व्यक्ति, ना परिस्थिति, अंदर से ही हैप्पीनेस। आप ढूंढो, आपको ऐसे चरित्र मिलेंगे। आप कभी भी मिलोगे वो प्रसन्न नहीं दिखेंगे आपको, कभी उनके मुख पर आप उदासी नहीं देखोगे, हमेशा हंसते रहते। ऐसे व्यक्तित्व है जिसको निजानंद प्राप्त हुआ है, जो अन्य पर डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुशी के लिए, जो अकेले में भी खुश रहते हैं। दैट गाय इज पावरफुल, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है, जो अकेला जी सकता है मस्त वो।
मेंटल इंडिपेंडेंस, वी आर इमोशनली अटैच। गलत बात नहीं है इमोशनली अटैच होना, क्योंकि इमोशनली अटैच होने से भी कितना प्रसन्नता, कितना आनंद मिलता है। व्हेन यू गेट अटैच टू समबडी, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरा फैमिली है। ये भाव जब होता है तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया उत्साह, इसका निर्माण होता है। बट इसके ऊपर यदि निर्भर रह गए तो हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आया है, जिसका संयोग हुआ है, उसका वियोग होगा ही एक दिन। कोई दो व्यक्ति ना साथ आए ना साथ जाएंगे, संपूर्ण जीवन नहीं रह सकते। व्यक्ति का संयोग और वियोग होगा, वस्तु का उत्पन्न और नाश होगा, और परिस्थिति का आरंभ और अंत होगा। ना अच्छी परिस्थिति हमेशा टिकने वाली है, ना बुरी परिस्थिति। बुरे दिन देख के रोना नहीं है, ये जो बुरे दिन आएंगे ना, वो एक दिन जाएंगे। 7.5 ही 7.5 साल ही रहती है, चली जाती है उसके बाद। तो फेस इट, हंसते हुए, जो हम बदल नहीं सकते हैं उसे हंसते हुए सामना करेंगे। भाई कैसे दूर होगा, आंखों में आंखें डाल के देखो भाई के सामने, अपने आप भय चला जाए अपने अंदर से। तो उत्तरेत्वा तदात्मानम्, आत्मा का उद्धार आत्मा के द्वारा ही होगा। सांसारिक रीत से तो समझना बहुत आसान है कि अन्य किसी पे इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। बट आध्यात्मिक एंगल से कैसे देखेंगे कि आत्मा का उद्धार आत्मा ही कर सकता है। विश्व में दो ही तत्व है ना, एक चैतन्य तत्व और एक प्राकृतिक जड़ तत्व। जड़ तत्व से बना शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब जड़ है, जिसका एक दिन नाश होने वाला है। दूसरा तत्व अविनाशी आत्म तत्व। यहां पर बात क्या है, आपका उद्धार, यहाँ पर उद्धार स्पिरिचुअली यानी मोक्ष। मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, आत्मा में जब हम आत्मा के द्वारा स्थित होंगे तभी होगी। शरीर से आत्मा सूक्ष्म है, और आध्यात्मिक विश्व में जो ज्यादा सूक्ष्म है वो ज्यादा शक्तिशाली है। सूक्ष्म आत्मा के ऊपर स्थूल शरीर निर्भर है। जिस दिन आत्मा निकल गया, ये शरीर का कोई महत्व नहीं। आपके अपने 4 घंटा भी नहीं रखेंगे ये शरीर को घर में, सीधा ले जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। जिस शरीर को 80 साल तक हमने इतना संभाला, उसे जो पसंद है वो खिलाया, उसको डेकोरेट किया, पार्लर में कितने घंटे बिगाड़े, तैयार होने में कितने घंटे बिगाड़े, सैलून में कितने घंटे बिगाड़े, जिस शरीर के पीछे संपूर्ण जीवन दे दिया। हम तो भूल ही गए कि इसका ड्राइवर तो अंदर बैठा है आत्मा। जिस दिन वो ड्राइवर चला गया, गाड़ी वहां की वहीं पत्थर हो गई, गार्डन में रखी बेंच हो जाएगी गाड़ी, यदि ड्राइवर नहीं रहा तो। अपने भी नहीं रखेंगे ये गाड़ी को, गैराज लेके जाओ। तो ये जो स्थिर हुआ है मन के अंदर, आई एम नॉट शरीर, आई एम आत्मा, ये विवेक जिसका जागृत हुआ है, उसका संबंध संसार से कम हो जाएगा। सांसारिक चीजों को महत्व देना यदि हम छोड़ दे तो उसके प्रति हमारी हमारा आकर्षण कम हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति संसार के आवरण का ज्ञान के द्वारा त्याग करके आत्मा में स्थित होगा, और जब वो आत्मा में स्थित होगा तो आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान होगा उसे। हम लोग सब विश्व से जुड़े हुए हैं, विश्व नाशवान है, नाशवान से जुड़ेंगे तो नाशी होगा ना। यदि अविनाशी से जुड़ गए तो हम अविनाशी होंगे, नाशवान से जुड़े हुए इसके लिए हमारा नाशी होगा। एक 10वीं की कक्षा का विद्यार्थी है, उसका आंसर पेपर 5th स्टैंडर्ड का बालक चेक कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसे ही इस शरीर के द्वारा हम आत्मा के तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा 10th स्टैंडर्ड में है, शरीर 5th स्टैंडर्ड में है। अविनाशी सीमित स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कभी भी नाशवंत देह, अविनाशी आत्म तत्व तक नहीं पहुंच सकता, हमें वहां तक नहीं ले जा सकता।
हम करें क्या? हम ज्ञान के द्वारा इस विश्व से, इस संसार से, इस प्रकृति से अपने आप को दूर करें, सही समझ डेवलप करें ध्यान के द्वारा, जो सुनते हैं उस पर मनन करें, और मनन करने के बाद निधिध्यास उठा के धारण करें। अब धर्म की व्याख्या है, धारयति इति धर्म। धर्म केवल सुनने की बात नहीं है, धर्म धारण करने की बात है। धारण करना यानी उसे आत्मसात करना हमारे अंदर। यदि सत्य कहना धर्म है, सिर्फ हाँ बोलने से नहीं होगा। हाँ मैं मानता हूं सत्य बोलना धर्म है, बोलना पड़ेगा, तब जाके धर्म का आचरण हुआ। आपको धारण करना पड़ेगा, तब आप कहते हैं कि हम ये हैं। व्हाट्सएप पे हिंदू धर्म के लिए गर्व करना बहुत आसान है, हिंदू की तरह जी के बताओ आप। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीढ़ पराई जाने रे, खाली मानवाती ना था, बीजानी पीड़ा जानवी पड़े, બીજાના શૂઝમાં પગ નાખીને સમજવું પડે ક્યાં એનો ડંખ મારે છે, શૂઝ એનું ચપ્પલ ડંખ ક્યાં મારે છે, એ આપણે સમજવું પડે ત્યારે પીડ પરાઈ જણાય આપણાથી। પણ આપણે બુદ્ધિને બહુ મહત્વ આપીએ છીએ, બુદ્ધિ કે દ્વારા હમને સમજ લિયા તો વહાં પર અટક જાતે હૈ, મેને સબ સમજ લિયા, આઈ નો એવરીથિંગ। યે જો ખાઈ હૈ ના, સમજના ઓર કરના बहुत बड़ी है, ये प्रशांत महासागर से भी बड़ी है। हर कोई समझता है सही क्या है, क्या करना चाहिए, होता क्यों नहीं है। दुर्योधन बेचारा सरल है, इसके लिए कह दिया कि मेरे अंदर कोई बैठा है जो बलपूर्वक मुझसे अच्छा नहीं करने देता है। मुझे पता है अच्छा क्या है, मुझे पता है बुरा क्या है, लेकिन मेरे अंदर कोई बैठा है जो मुझे खींच के बुरा करवा रहा है। ये हमारे सबकी मनस्थिति, हमारे सबके मन के अंदर दुर्योधन बैठा है। समझते सब है, करता कोई नहीं। कितना बड़ा इल्यूशन, कितना बड़ा भ्रम। मैं जानता हूं तो कुछ भी नहीं जानता, अगर तू जानता तो तू करता। कहीं हमारे अंदर बुद्धि के आवरण ऐसे चढ़ गए हैं कि करना नहीं है, हम धर्म से विमुख हो गए। धर्म जब धारण करेंगे तब गर्व ले सकते हैं कि हाँ मैंने ये किया। जिधर भी हो एकादशी का कीर्तन पहुंचेंगे हम, तब हमने धर्म धारण किया। जूम पे ऑनलाइन बहुत आसान है, अपने ही घर में बेडरूम पे एसी लगा के बैठ के सुनना। एक बार मुंबई के ट्रैफिक में उठकर आइए, फिर पता चलेगा धर्म क्या चीज है। जब करने से धर्म धारण होता है, सिर्फ समझने या बोलने से नहीं। मैं बोल रहा हूं तो उसका अर्थ नहीं है कि मैंने धर्म समझ लिया, धर्म धारण किया। अगर मैं करूं कुछ भी नहीं बोलने के अलावा तो व्यर्थ है सब बोलना, और आपका सुनना व्यर्थ है यदि आप कुछ ना करें तो। क्योंकि हमारा उद्धार हमें स्वयं ही करना है, अन्य की मदद ले सकते हैं लेकिन अन्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। चाणक्य ने अकेले धननन को नहीं मारा था, उन्होंने कितने राजाओं की मदद ली, सैन्य इकट्ठा किया था और फिर धननन को हराया था, फिर भी वो आत्मनिर्भर थे। उनकी ये जो जीतने की, जीने की आकांक्षा थी धननन को हराने की, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं, मदद सबकी ली लेकिन वो अपने आप पे निर्भर थे कि ये करके दिखाएंगे हम। ये हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए, मदद सबसे मांगेंगे लेकिन अगर नहीं मिली तो थक के हारेंगे नहीं, हमारा जो लक्ष्य है उसको सिद्ध करके ही दिखाएंगे हम। उद्धरेत्मा तदात्मा नम, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार संभव है। उसमें ना हमारा शरीर, ना मन, ना बुद्धि, ना अहंकार कुछ भी काम आएगा, क्षमता ही नहीं उसकी, सीमित है। आत्मा व्यापक है, सीमित के द्वारा व्यापक को आप स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा में स्थित होंगे
तो ही आप आत्मदर्शन कर सकेंगे, तो ही आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। तो कला क्या है? व्हाट इज द आर्ट? कि कैसे हम हमारी बुद्धि का उपयोग इसी प्रकृति से दूर होने में, जो आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण है, तो आवरण कैसे हम हटाए? बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। हमें जो बुद्धि प्राप्त हुई है, भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है, उसमें ये क्षमता है, इस आवरण का छेदन करें वो। लेकिन वो बुद्धि के ऊपर भी प्रकृति के राग द्वेष, राजसी तामसी सात्विक गुण, उनका जो आवरण है, वो बुद्धि को सांसारिक चीजों में ही लगा देती है। हमने कहाँ उपयोग किया हमारी बुद्धि का, अपने आप से पूछो। हमारा घर परिवार चलाने में और हमारा बिजनेस चलाने में, जेंट्स होंगे तो ऑफिस चलाने में किया, लेडीज होंगे तो घर परिवार चलाने, इससे आगे बुद्धि का उपयोग किया आपने? कभी सोचा और कितना हम कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में, इस बुद्धि के द्वारा, इस मन के द्वारा कहाँ तक पहुंच सकते हैं? कुछ तो इसरो के साइंटिस्ट ने निश्चय किया चांद पर पहुंचेंगे, देखो पहुंचे ना, वही बुद्धि, सिंह नहीं है उनके सिर पे, बुद्धि का उपयोग किया उन्होंने, सदुपयोग किया। उससे भी आगे आध्यात्मिक अचीवमेंट्स, अब चांद पे जाओ या मंगल पे जाओ, है तो सांसारिक अचीवमेंट, प्राकृतिक अचीवमेंट, उससे भी आगे हमारे यहाँ लोगों ने आध्यात्मिक अचीवमेंट सिद्ध की बुद्धि के द्वारा, अपने आत्मा का, स्वयं का दर्शन किया उन्होंने, स्व की अनुभूति की उन्होंने। उद्धरेत्मा तदात्मानम्, उद्धरेत आत्मा आत्मानम्, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार संभव है, न आत्मा नाम अवसाद है। तो ये तत्व है, यदि आप आत्मा के साथ न जुड़े, यदि आप आत्मा में स्थित न हुए, तो कहां पर गति होगी आपकी? तो फिर आपकी गति संसार में ही होगी। अनात्मा नाम न आत्मा नाम, यदि आत्मा से आप नहीं जुड़े तो आप जुड़ गए संसार से, और संसार से जुड़ गए तो, संसार से जुड़ गए तो संसार के सभी जो नेगेटिव असर है वो भी मेरे अंदर आ गए। सत के गुण केवल पॉजिटिव है, सत यानी परमात्मा, असत यानी विश्व। असत के साथ जुड़ गए तो असत के सभी गुण मेरे अंदर आ गए। आत्मा है वो निर्दोष है, दोष कहाँ पर है? सभी दोष सभी शरीर के अंदर है, हमारी बुद्धि के अंदर दोष है, मन के अंदर, अहंकार के अंदर, शरीर के अंदर। बुद्धि गलत सोचती है, अहंकार बदला लेना चाहता है, मन गलत इच्छाएं करता है, प्रकृति से प्राप्त है ना, इसके लिए दोष है। आत्मा निर्दोष है, आत्मा के अंदर कोई भी दोष नहीं। यदि विश्व से जुड़ गए तो हमारे अंदर सभी दोष आ गए, अगर दोष आ गए तो निश्चित हमारा पतन होगा, अवसाद है। अगर आत्मा में स्थित नहीं हुए हम तो हमारा पतन निश्चित, तो यदि आत्मा में स्थित हो गए तो हमारी प्रगति निश्चित, अगर आत्मा में स्थित न हुए और संसार से हो गए तो हमारी दुर्गति निश्चित। ये श्लोक का अर्थ है, उत्तरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादये। उसका आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही अर्थ इतने महत्वपूर्ण है। यदि हम आत्मनिर्भर हुए तो हमारा ये जीवन सुखी होंगे हम, और अगर आध्यात्मिक नियम पकड़ा हमने तो आने वाले सभी जन्म या मुक्ति को प्राप्त होंगे हम। तो हमारा जो भी भारतीय दर्शन है, इवन वेद उपनिषद, उन्होंने दोनों हमारे जो ये लोक और परलोक उसके बारे में सोचा है। जो सकाम यज्ञ है वो हमारे ये लोक को सुखी करने के लिए है, ये जीवन को, जब तक हम जीवित है तब तक, ये शरीर है तब तक। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, फिलॉसफी दर्शन, वो हमें मुक्ति दिलाने का ज्ञान है, यानी जो इहलोक है और वो परलोक, वो हमारा सुधार है। तो दोनों तरीके से हमें सोचना होगा। उस लोक में हमारी
सदगति हो इसके लिए ये 70 80 90 साल हमें बुरे नहीं काटने, दोनों का बैलेंस करना है। हमारा ये जीवन भी अच्छा जाए, सुखी हो, और आने वाले जीवन से भी हमें मुक्ति मिले या इससे बेहतर जन्म मिले, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मेव्यात्मनोबंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये हम आज 10:15 हो गए, तो अगले मंगलवार को ये श्लोक का समापन करेंगे, वी कैरी फॉरवर्ड। और एक बात कि जैसे हम भजन सब अलग अलग व्यक्ति गाते हैं, वैसे ही पिछले कुछ समय से 2 महीने से ब्रह्म निर्वाण का पठन मैं करता हूं, ताकि आप सब लोगों को उच्चारण उसका पता चले, कैसे श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। यदि इफ यू ऑल आर कॉन्फिडेंट, एक व्यक्ति भजन गाएगा और एक व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण का पठन करेगा। इफ यू ऑल आर कॉन्फिडेंट तो आप कहिए। तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी एक व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण का पठन करेगा और एक व्यक्ति भजन जैसे गाते हैं वैसे ही हम गाते रहे। वी विल टॉक ओवर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे हम बात करके निश्चय कर। और कोई प्रश्न आज के प्रवचन के ऊपर, आज के श्लोक के ऊपर? एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग और शेयर एनीथिंग? की प्रार्थना करें हम। ओम देव शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति ही, औषधय शांति ही, वनस्पते शांति ही, सर्वदेवा शांति ही, ब्रह्म शांति ही, सर्व शांति ही, शांतिरेव शांति ही, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बिचल भाई, बिचल भाई, बिचल भाई, हाँ जी, મારે પૂછવું હતું કે આ શરણાગત અને સમર્પણની ભાવના